साल 1992 पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहे हैं। चौथा टेस्ट मैच खत्म होता है और उसके बाद वहां के अखबार डेली मिरर में एलन लैम नाम के क्रिकेटर का एक आर्टिकल छपता है जिसका शीर्षक है हाउ पाकिस्तान चीट एट क्रिकेट। एलन लैम ने विस्तार से बताया कि किस तरह पाकिस्तान के गेंदबाज गेंद को जानबूझकर एक तरफ से खराब करते हैं ताकि इसका वो फायदा उठा सकें, विपक्षी टीम को सस्ते में आउट कर सकें। ये इल्ज़ाम क्यों लगाया एलन लैम ने, क्योंकि इसके कुछ ही रोज़ पहले चौथे टेस्ट मैच के दौरान वसीम अकरम और वकार यूनिस की गेंदों को समझने में इंग्लैंड के खिलाड़ी नाकाम हो रहे थे और ये सब अचानक एक स्पेल में हुआ था। ये इतना अचानक हुआ कि अंपायर पामर और हेम्पशायर ने गेंद को अपने पास मंगवाया, इसको बदला और बाद में भी मैच के बाद भी गेंद की जांच हुई और ये कहा गया कि गेंद को किसी चीज़ के ढक्कन या फिर नाखून से एक तरफ से खराब किया गया है। एलन लैम ने जब वो आर्टिकल लिखा तो उन पर मुकदमा ठोका पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने, इसका नाम सरफराज नवाज। मुकदमा ठोका, सुनवाई शुरू हुई तो जूरी में लड़कियां बैठी थी। अब सरफराज नवाज का बयान देखिए क्यों उन्होंने मुकदमा वापस लिया। बकौल सरफराज, जूरी में 9 नौजवान लड़कियां बैठी थीं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल की गेंद का फ़र्क भी नहीं पता था, इसलिए मैंने एलन लैम के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। ये बहुत ही सस्ता, बहुत ही बाजारू और बहुत ही हल्का तर्क लगता है। ये उतना ही हल्का है जितनी हल्की वो सारी हरकतें हैं जिनके चलते आज के वक्त क्रिकेट बदनाम हो रहा है। कभी ऑस्ट्रेलिया पर तो कभी किसी दूसरी टीम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। ये गेंद खराब करते क्यों हैं, बॉल टेम्परिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बॉल को टेम्पर करेंगे तो रिवर्स स्विंग होगी और रिवर्स स्विंग की इजाद उस आदमी ने की जो जूरी की लड़कियों का मखौल उड़ा रहा था, जिसका नाम सरफराज नवाज है। सरफराज की कहानी खासी रोचक है। 6 फीट 2 इंच का नौजवान हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उस जगह पहुंचता है जहां बाप का दफ्तर था। बाप लाहौर में अपना धंधा चलाता था, कंस्ट्रक्शन का धंधा, लेकिन साल 65 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के बाद कंस्ट्रक्शन का धंधा मंदा पड़ चुका था। तमाम लेबर जो एक तय मियाद के लिए जुटाए गए थे उनके पास ज़्यादा काम नहीं था, वो कंस्ट्रक्शन की साइट पर क्रिकेट खेलते रहते थे। इन्हीं के साथ सरफराज नवाज ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और इन्हीं के बीच सरफराज नवाज ने वो हुनर पाया जिसमें उन्हें इस बात का इल्हाम हुआ कि जब गेंद में एक तरफ चमक बची रहती है और वो दूसरी तरफ यानी कि आधे गोलार्ध में खुरदरी हो जाती है तो जिस तरफ चमक होती है उसी तरफ गेंद टिप पड़ने के बाद अचानक से कटती है। ये अचानक से कटना ज़्यादा खौफनाक हो जाता है जब गेंद आपकी तरफ 140 या 150 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही हो। सरफराज नवाज ने पाकिस्तान के लिए कई अहम स्पेल फेंके। 1979 का ऐसा ही एक वाकया, जब उनकी गेंद तो स्विंग कर रही थी लेकिन उनके साथ जोड़ी बनाकर गेंद फेंकने वाले पाकिस्तानी की नहीं। उसने आके कहा, सरफराज भाई सिर्फ आपकी गेंद को मूवमेंट क्यों मिल रहा है? सरफराज बोले, बच्चे यहाँ नहीं, नेट पर जवाब दूंगा। इस बच्चे का नाम जिसे आज की तारीख में पाकिस्तान के क्रिकेट का कारदार के बाद दूसरा बाप कहा जाता है, इमरान खान था। नेट पर इमरान खान को सरफराज नवाज ने रिवर्स स्विंग का हुनर सिखाया और ये भी बताया कि कैसे गेंद को इसके लिए तैयार करते हैं, उसके पुराने पड़ने का इंतज़ार करते हैं। इमरान खान से ये हुनर वसीम अकरम और फिर वकास यूनिस तक पहुंचा। हमने अपने क्रिकेट एडिटर केतन से पूछा कि ऐसा क्यों था कि सरफराज या इमरान को उतना लीथल नहीं माना गया जितना वकार यूनिस को। उनका जवाब था, क्योंकि वकार यूनिस जब नई गेंद से गेंदबाजी करते थे तो उनका एक्शन सीधा होता था लेकिन जब उन्हें रिवर्स स्विंग करानी होती थी पुरानी गेंद से तो वो बाँह को कुछ तिरछा रख कर फेंकते थे और इसीलिए उनके नेतृत्व में ये हुनर शबाब पर पहुंचा। हुनर शबाब पर पहुंचा या बेईमानी, इसके लिए आपको पाला तय करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तानी मीडिया की सुनेंगे या उस वक्त के इंग्लिश मीडिया की जिसने वसीम वकार और आकिब जावेद पर तमाम इल्ज़ाम लगाए जब ये लोग काउंटी क्रिकेट खेला करते थे और एक ही सीज़न में
मैच का रुख बदल दिया करते थे। मैच का रुख तब भी बदलता था, क्रिकेट का रुख अब भी बदल रहा है। इतना कि पहली मर्तबा सिर्फ डेविड वार्नर को छोड़कर आईपीएल के सभी कप्तान हिंदुस्तानी हैं, और खबरों की माने तो शायद डेविड वार्नर भी हैदराबाद का प्रतिनिधित्व ना कर पाएं।